हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक DIY, और ये DIY बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि यार देखो सर्दियाँ शुरू हो गई है और हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई फील होने लगी है, हमारी स्किन बहुत खिंची खिंची फील होती है और हम कितना भी मॉइस्चराइज कर ले अपनी स्किन को, पर 1 से 2 घंटे के बाद वापस से ही हमारी स्किन वैसी हो जाती है। अगर आप सभी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक सिंपल स्टेप बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी बॉडी में मॉइस्चर को बनाए रख सकते हैं और आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज रहेगी। और ये सिंपल सा स्टेप है कि आप विंटर में सोप को यूज़ बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि यार सोप क्या करता है, हमारी स्किन में जो पहले से मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उन्हें भी निकाल के वॉश कर देता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई फील होने लगती है और स्किन बहुत ही ज़्यादा खिंची खिंची फील होती है। तो सोप की जगह पे आज मैं आपको एक DIY बताने वाली हूँ जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस DIY की सबसे खास बात ये है कि सोप तो हमारी बॉडी से मॉइस्चर को निकाल देता है, पर ये DIY हमारी बॉडी में ऑयल देगा, हमारी बॉडी में मॉइस्चर को बनाए रखेगा। तो ये सबसे खास बात है इस DIY की, और अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज रहेगी, काफ़ी ज़्यादा आपकी बॉडी में जो ऑयल है पहले से वो भी प्रेजेंट रहेंगे। तो आप इस DIY को एटलीस्ट विंटर में तो ज़रूर इस्तेमाल करिए और सोप बिल्कुल भी मत इस्तेमाल करिए। तो चलिए देख लेते हैं कि आज के हमारे DIY क्या है और किसे आप सोप की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं विंटर सीजन के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से हमारी वीडियो शुरू करते हैं। तो इस DIY को आप पूरी बॉडी पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पे आप सोप लगाते हैं तो सोप की जगह पे आप इस DIY को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस DIY के लिए मैं ले रही हूँ बेसन, और बेसन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपकी बॉडी के हिसाब से जितना नीड होगा आप उतना मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ इसमें मलाई, और मलाई से में काफ़ी ज़्यादा ऑयल होते हैं और ये हमारी बॉडी में काफ़ी ऑयल को बनाए रखेगा, तो मलाई मस्ट है, आपको इसमें ऐड करना ही है। पर अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसकी जगह पे मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ हनी, 1 चम्मच के अप्रॉक्स में इसमें हनी लूंगी। हनी भी हमारी बॉडी में मॉइस्चर को बनाए रखता है अच्छे से, तो आप हनी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कुछ लोग को हनी सूट नहीं करता है तो वो यहाँ पे ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको मिक्स कर लेना है, और बिल्कुल आप देख सकते हैं बटर के जैसा हमारा ये DIY तैयार हो गया है, ये पेस्ट तैयार हो गया है। आपको इस DIY पैक को इस्तेमाल करना है नहाते समय, जैसे हम नॉर्मल नहाते समय सोप इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे देख सकते हैं बिल्कुल बटर के जैसा हो चुका है, ये बहुत ही ज़्यादा मुलायम है, और क्योंकि इसमें हनी और हमने मलाई मिक्स करी है तो ये काफ़ी अच्छे से हमारी बॉडी में मॉइस्चर को बनाए रखेगा। तो इसको आपको नॉर्मली अपने हाथों और पैरों पर लगा लेना है और थोड़ी देर तक आपको इसे मसाज करना है, क्योंकि मसाज करने से इस पैक में जो भी ऑयल हमने मिक्स किया है, ऑयल वाली चीज़ें मिक्स करी हैं, वो हमारी बॉडी में अच्छे से पेनिट्रेट हो पाए, हमारी बॉडी में अच्छे से जा पाए। तो थोड़ी देर तक आपको मसाज कर लेना है, उसके बाद आपको अच्छे से वॉश करके नहा लेना है। तो बस इतना सिंपल सा ही ये तरीका है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं इस विंटर सीजन में, और ये आपके काम को बहुत ही ज़्यादा आसान कर देगा। आपके दिन भर में जो भी स्किन आपकी इरिटेट होती है, बहुत ही क्रैक हो जाती है स्किन, उसे ये बहुत अच्छे से रिपेयर कर देगा। आप इसे इस्तेमाल करिए, और अगर आपको इसका फायदा होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे एक रेड कलर का बटन है वहां पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।